हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम केयर। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, देखिए ये है डाइंथस और इसके पीछे जो ये रखे हुए हैं ये हैं पेट्यूनिया और ये मैरीगोल्ड्स हैं जाफरी। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं और ये फाइकस है, देखिए कैसे कट करके रखते हैं ये लोग। तो मैं नर्सरी आया हुआ था फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी नर्सरी की जो विज़िट है उसको शेयर करूँ। तो मैं यहाँ से प्लांट्स लेता हूँ, देखिए ये मैरीगोल्ड की वैरायटी है इनकी और कितने अच्छे होते हैं गेंदे उगाने में, बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। देखिए कितने हेल्दी इनके मैरीगोल्ड्स हैं, ये देखिए येलो कलर इनका है, लाइट येलो कलर में भी अवेलेबल हैं ये और बहुत ही अच्छे जो हैं ये लगते हैं देखने में, बहुत प्यारे। ये सेलोसिया है फ्रेंड्स, सेलोसिया बिल्कुल जैसे मुर्गा कलगी होता है हमारा, कॉक्सकॉम्ब के जैसे सफलार होता है इसका, थोड़ा वेलवेटी वेलवेटी सा। तो देखिए इन्होंने जो है पाम्स उगाए हुए हैं, ये जो है विंका और डायंथस हैं, ये सेल्विया हैं। ये फ्रेंड्स जो हैं क्रोट, सॉरी वो उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, जो है युक्का, युक्का है ये और बहुत अच्छी तरह इन्होंने रखा हुआ है। ये डेफन बे किया है, इधर इन्होंने पाम्स लगाए हुए हैं, पाम ये ड्रेसिना की वैरायटी है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। ये पाम्स हैं और इनके पीछे चाइनीज फैन पाम्स हैं जो ये रखे हैं, ये डेफन बेकिया हैं। चलिए और पास से देखते हैं चलते चलते। ये देखिए ये इंडोर पाम जो होते हैं वो हैं फेमस इंडोर पाम, एरेका पाम्स। ये लेडी पाम है और ये देखिए कोलियस, और कोलियस के पीछे ब्राउन कलर वाले पत्तों वाला जो ड्रेसिना की वैरायटी होती है वो इन्होंने लगाई हुई है, और उसके पीछे क्रोटोन के हैं ये प्लांट्स। ये देखिए फाइकस, फिर से लेडी पाम, ये देखिए तुलसी के प्लांट्स हैं इनके पास, और फिर जो है हेमिलिया बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, इसमें ऑरेंज कलर के गुच्छे से में फ्लावर्स आते हैं, ज़्यादा प्रेटी फ्लावर्स नहीं होते बट अच्छे लगते हैं देखने में। बेल सी चलती है इसकी, हेमिलिया की कुछ प्लांट होता है वैसे तो, बेल जैसा लुक होता है उसका कुछ कुछ। फिर ये फाइकस है फ्रेंड्स, फिर ये इन्होंने पाम रखे हुए हैं, सैगो पाम, फिर ये पाम की वैरायटी है, फिर ये फाइकस हैं कुछ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। फिर आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ट्री में काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं फ्रेंड्स, ये क्रिसमस ट्री है, लिविंग क्रिसमस ट्री भी होता है, ये युक्का की वैरायटी है, सॉरी ड्रेसिनाज की, ड्रेसिनाज और युक्का कुछ कुछ मेरे को सिमिलर लगते हैं। ये देखिए रोजेज हैं फ्रेंड्स, इसमें देसी और इंग्लिश दोनों तरह के रोज़ रखे हुए हैं इन्होंने, देखिए कली भी खिलने वाली है इसकी कुछ दिन में, काफ़ी सारे वैरायटी हैं इनके पास। तो ये रोज़ में देखिए रेड कलर का दिख रहा है ना, इसमें वाइट भी है, मिक्स है रेड और वाइट, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। जो ये स्नेक प्लांट है आपके सामने जो रखे हुए हैं,
ये बहुत इजी होते हैं प्रोपोगेशन इनकी, आप इनकी इनका एक पत्ता लगा दो उससे भी ये ग्रो हो जाता है, और अलग अलग डिवाइड करके भी ये ग्रो हो जाता है। हार्डी प्लांट है बहुत, तो जो नए बिगिनर्स हैं वो इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स देखिए, ये डेजर्ट प्लांट है यूफोर्बिया। फिर ये बैम्बू लगाए हुए हैं, बैम्बू प्लांट्स इन्होंने। बैम्बू प्लांट्स फ्रेंड्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बैम्बू पाम। फिर उसके बाद ये इन्होंने अपने कोने में एक जगह जो है मम्स, जिनको क्रिजेंथेमम्स या गुलदाउदी बोलते हैं, वो रखे हुए हैं, और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं इनके, एक साथ लगे हुए हैं और देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इसी में से ये लोग हर साल बना लेते होंगे, तो ऐसे इस ज़मीन में लगा के इनकी हर साल इनसे ही पौध निकाल के ये नए तैयार कर लेते होंगे, तो बहुत आसानी से जो है मम्स हो जाते हैं। फिर आगे की तरफ चलते हैं, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी तरह जो है इनकी कटिंग की हुई है। ये इनकी मिट्टी है, थोड़ी गंदगी इधर पड़ी हुई है। फिर पता नहीं ये इन्होंने एक्वेरियम यहाँ क्यों रखा हुआ है, मे बी ये बेचते होंगे। और ये फिर से मम क्रिजेंथेमम रखा हुआ है इन्होंने, गुलदाउदी। ये पाम है फ्रेंड्स, एरेका पाम। इन्होंने देखिए कुछ ये बांस से अपनी हट सी बनाई हुई है, लकड़ी से, बहुत खूबसूरत लग रही थी ये देखने में, और ऊपर ग्रीन कलर का इन्होंने टच दिया है। आई होप आप देख पा रहे हैं, धूप बहुत हो रही है यहाँ पे इस टाइम, तो पता नहीं आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं। सॉरी, ये पॉट सोसर्स हैं। और ये देखिए अशोक का प्लांट है, और देखिए इन्होंने फाइकस की जो है कितनी अच्छी तरह कटिंग की हुई है। और ये इसका मेरे को नाम नहीं पता, क्रिसमस टाइप ट्री है ये। ये देखिए पाम, एरेका पाम, या इसको पाम फ्रूट गोल्ड भी बोलते हैं। फाइकस का मुझे बहुत अच्छा लगता है ये तरीका जो कट करने का होता है, इससे अच्छा लगता है, इनोवेटिव लगता है गार्डन। अगर आप आपके यहाँ भी इस तरह का है तो आप भी उसकी कटिंग कर सकते हैं, उसे शेप दे सकते हैं। ये नीचे सैगो पाम है, ये लिविंग क्रिसमस ट्री है। एक क्रिसमस ट्री है, एक लिविंग क्रिसमस ट्री होता है, तो ये लिविंग वाला है। ये चिली के प्लांट्स हैं, देखिए ये ऑर्नामेंटल चिली नहीं है, ये वाली चिली है फ्रेंड्स जो हम लोग खा सकते हैं, ईटेबल चिली है ये, जो हम लोग अपनी किचन में यूज़ करते हैं ना, बड़ी वाली मिर्च जो होती है, ये वही है। ऑर्नामेंटल चिली जो होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं। विंका है, विंका मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ये बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। और ये हाइब्रिड विंका है, हाइब्रिड विंका। फिर इसके बाद ये इन्होंने बल्ब्स लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी इनकी नर्सरी है, और रीजनेबल प्राइस पे ये प्लांट्स देते हैं। ये डहेलिया है, डहेलिया में फ्रेंड्स देखिए लाल कलर है, बहुत जो है अच्छे अच्छे प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे मुझे। और ये देखिए जरबेरा, और जरबेरा के साइड में जो है पॉइंसेटिया, यूफोर्बिया और पल्कैरिमा इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। ये जो ऊपर प्लांट है ना, इसके जरबेरा के साइड में, वो देखिए जरबेरा कितने प्यारे प्यारे हैं इनके। फिर इधर की तरफ चलते हैं, सैगोपाम है, ये देखिए हैंगिंग प्लांटर कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर ये इन्होंने कुछ कैलेंडुलास और डहेलियाज एक साथ रखे हुए हैं, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके साइड में इन्होंने जो है कॉक्स कॉम्ब, मुर्गा कलगी रखा हुआ है, ये फिर से डहेलियाज इन्होंने लगाए हुए हैं। ये देखिए इजीली आप इनको ले जा सकते हैं, इस फॉर्म में नर्सरी वाले रखते हैं छोटे छोटे पोट्स में। देखिए कैलेंडुला कितना प्यारा लग रहा है। ये गजानिया है फ्रेंड्स, गजानिया, गजानिया को बहुत धूप की ज़रूरत होती है, बिना धूप के इसका फ्लावर नहीं खिलता है। ये विंका है, विंका को भी काफ़ी अच्छी सनलाइट चाहिए होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी होते हैं फ्रेंड्स, उनको सनलाइट अच्छी चाहिए ही होती है, वरना उनकी जो ब्लूम्स होती हैं वो फेडेड ब्लूम्स होती हैं, अगर
उनको आप अच्छी सनलाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वायरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।